मुझे अरेस्ट करवाएगा, मुझे, इसलिए कि आज तेरा असली बेटा मिल गया है और मैं तेरा असली बेटा नहीं हूं। अच्छा हुआ तू मेरा असली बेटा नहीं है। अरे मेरा खून किसी का खून नहीं कर सकता। अरे तू तो हत्यारा है, तूने एक इंसान का खून किया है, पाप के जज्बात का खून किया है। अरे भगवान तुझे ऐसी सजा दे। भगवान जब सजा देगा तब देगा। अगर आज और अभी इसी वक्त तूने इन डॉक्यूमेंट्स पे साइन नहीं किए तो मैं तुझे ऐसी सजा दूंगा जो आज तक एक बेटे ने अपने बाप को नहीं दी होगी। क्या है ये? ये स्टैम्प पेपर है, इसमें लिखा है कि आप अपने दयालु हाथों से अपनी सारी जायदाद विकी के नाम कर रहे हैं। लीजिए लिख दीजिए। ऐसा हरगिज नहीं होगा। ऐसा ही होगा बड़े, नहीं तो। अच्छा हुआ तो खुद ही आ गया। पकड़ से अमर, तूने अपने बाप पर हाथ उठाया। अरे सौतेला ही सही, लेकिन 20 साल से तेरे पापों के बोझ को उठा रहा है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बांधो इनको। अब अगर जरा सी भी देर की साइन करने में तो तेरी आंखों के सामने तेरे इस लाडले बेटे को गोली मार दूंगा जिसके लिए तू 20 साल से तड़पा है। मैं तो कहता हूं राय साहब अब साइन कर ही दीजिए। नहीं पापा, कोई उल्टे सीधा पेपर साइन मत करना। अरे जाने दे इस जायदाद को, असली जायदाद तो तू है मेरी। अगर तुझे कुछ हो गया ना तो मैं अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाऊंगा। छोटे, इन दोनों को ऐसी मौत देना कि कांधा देने के लिए लोगों को तकलीफ ही ना हो। गुड। ये बॉम्ब है, टाइम बॉम्ब। 10 मिनट में तुम लोगों की कहानी का खेल खत्म। खेल कब शुरू होता है और कब खत्म ये तो ऊपर वाला ही जानता है। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि तुम लोगों का खेल खत्म किए बिना मैं मरूंगा नहीं। जितना बोलना है बोल ले, 10 मिनट के बाद तो बोलने के लायक नहीं रहेगा। चलो एक ही चला। चलो ये किस्सा तो खत्म हुआ। आज तुमने मेरा साथ दे के मुझे जिंदगी भर के लिए खरीद लिया है टाइगर। अरे बेईमान बेईमान का साथ नहीं देगा तो बेईमानी का क्या होगा बरकरार। बैठो बैठो। अब तक तो उन दोनों बाप बेटों का काम खत्म हो गया होगा, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अब एक छोटा सा काम हमारा भी कर दो। बोलिए बोलिए। इन कागजात पे दस्तखत कर दो। क्या लिखा है इनमें?
हमारी बेईमानी का छोटा सा मुआवजा। इसमें लिखा है कि अगर तुम 50 लाख रुपए हमें एक महीने में चुका दोगे तो हम तुम्हें तुम्हारी जायदाद के कागजात और तुम्हारे नेगेटिव यानी तुम्हारी मौत का सामान तुम्हें वापस कर देंगे। ये चीटिंग है, धोखाधड़ी है ये। ऐसी बातें तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं देती बरखुरदार, खामोशी से दस्तखत कर दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। पर इतनी बड़ी रकम, हमने भी तो तुम्हें इतनी बड़ी रकम दिलवाई है। अबे वो तो मेरी अपनी थी। अरे हम भी तो तुम्हारे अपने हैं, लो दस्तखत कर दो। लो लो, सोच क्या रहे हो? शाबाश। अरे लो भाई लो, दस्तखत कर दो। चुपचाप जायदाद के कागजात और वो नेगेटिव मेरे हवाले कर दे तो गया तुम हमें गोली मारोगे। जब मैं दौलत के लिए अपने उस बाप को मार सकता हूँ जिसने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, तो तू क्या चीज़ है भे? हम इन छोटे मोटे खिलौनों से नहीं डरते बरखुरदार। हमें मालूम था कि तुम्हारा गर्म खून तुमसे ऐसी बेवकूफी जरूर करवाएगा। उल्लू के पट्टे, ये पिस्तौल खाली है। हाँ इससे पहले कि हमारे भेड़िये तुम्हें नोच डालें, इन कागजात पर दस्तखत कर दो, फिर हम तुम्हें एक ऐसा खूबसूरत तोहफा देंगे कि जिसके लिए तुम जिंदगी भर तरसते रहे हो। इससे पहले कि इसका बाप एसपी तुम तक पहुंचे, बेहतर है कि इसे फौरन अपना बना लो। शादी की पूरी तैयारियां ऊपर हैं। जाओ, गॉड ब्लेस यू माय सन। चल। We'll be right back.
तेरी मेरी शादी तो आज हो गई रहेगी। कोई नहीं। विकी, मशीन गन को फेंक दे विकी, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तुम मुझे नहीं मार सकते। कोई बाप अपनी औलाद को नहीं मारता। देख विकी, मैं तुझे आखिरी मौका दे रहा हूं, सुधर जा। कर दे अपने आप को कानून के हवाले, फेंक दे इस गन को। तुमने खुद ही तो मुझे कानून से बचाया था, फिर तुम मुझे कैसे मार सकते हो? नहीं, मैं कहता हूं फेंक दे इसे, वरना मैं सचमुच गोली मार दूंगा। हट जाओ। मुझे गोली चलाने पर मजबूर मत कर विके। मैं कहता हूं जाओ विके। डैड, ये क्या किया तुमने दिलेर? अपने बेटे को अपने हाथ से मार डाला। सेठ जी, बरसों पुराना कर्ज चुका दिया है मैंने, अपनी करनी का प्रायश्चित किया है मैंने। बाबा, चलो ने। जी तरफ बेटे, मुझे विक्की की मौत का बेहद अफसोस है। बाबा, मैं भी तो आप ही का बेटा हूं।